नीमच नगर पालिका के वार्ड क्रमांक, जिसे कि सिंधी कॉलोनी का वार्ड कहा जाता है, उसके पूर्व पार्षद ने, जहां मध्य प्रदेश शासन के पुनर्वास विभाग को, वहीं देश के संविधान को तथा सुप्रीम कोर्ट एवं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में झूठे प्रकरण रीट याचिका दायर कर सबको धोखा दे डाला। आज क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में नहीं आता? यहाँ पर जब जब सत्ता, जिसकी सत्ता रही, वह उस पक्ष में अपना हस्तक्षेप करने लगा। पहले वह निर्दलीय पार्षद बना, फिर कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस के उसमें उसने सिंधी कॉलोनी का वार्ड पार्षद बनकर जमीन हड़पने के लिए शिकायतों का अंबार लगा दिया। वह खुद शपथ पत्र दे आया शिकायतकर्ता के प्रतिनिधित्व करते हुए, और बाद में उसने उसी शिकायतकर्ता से जमीनें हड़प ली, भूखंड हड़प लिया। आज देखिए जिस तरीके से वह, अब जब वो कांग्रेस में था तो आज उसने बीजेपी के अंदर आकर अपनी नए पार्षद के रूप में आवेदन दे डाला। वो इसलिए कर रहा है ये सब कि उसको इन सब भूखंडों पर निगरानी रखनी है, ताकि उस पर उसके खिलाफ कोई किसी प्रकार के प्रकरण दर्ज न हो। यहाँ पर उसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया हुआ है, मध्य प्रदेश शासन के जिम्मेदार लोगों को फंसा दिया उसने, जिला कलेक्टर को फंसा दिया, एसडीएम नीमच को फंसा दिया, साथ ही साथ तहसीलदार को फंसा दिया, और अपने परिवार के भाइयों के नाम पर, अपने परिवारों के सदस्यों के नाम पर कई भूखंड अलॉट करा लिए। वो पार्षद पद के रहते हुए और पद का दुरुपयोग करते हुए उसने कई भूखंड लिए। अब ये देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, जब देश के कानून संविधान में 5 कानून समाप्त कर दिए गए, जब कानून 2005 में समाप्त हो गया पुनर्वास कानून, तो उसने झूठ बोलकर, झूठे शपथ पत्र देकर क्यों भूमि आवंटन करा डाली, शिकायतकर्ता को ही भूमि आवंटित करवा दी, और बाद में उसमें से जो भूखंड थे, 10 भूखंड थे, उसमें से 2 भूखंड अपने भाइयों परिवारों के नाम पर अलॉट करवा दिया, और अभी तक उन भूखंडों का नामांतरण नहीं हो रहा। वो नीमच का सबसे बड़ा भूमाफिया है, और आज भाजपा की जो पार्षद दल का जो चुनाव हो रहा है या जो आवेदन लिए जा रहे हैं, उसमें वह ऐसा कहता है कि मैंने कैलाश विजयवर्गीय को खरीद लिया है। कैलाश विजयवर्गीय क्या ऐसे भूमाफियाओं का संरक्षण देंगे? क्या कलेक्टर ऐसे भूमाफिया पार्षद पर कार्रवाई करेंगे और उसके आवेदन को निरस्त करेंगे? क्या नीमच विधायक, क्या नीमच की जो बीजेपी की कार्यकारिणी है, वह इसके विरुद्ध इसके आवेदन को निरस्त करेगी? अन्यथा ये सबसे बड़ा भूमाफिया है, और ये नीमच के अंदर अघोषित भूमाफिया है, साथ ही साथ ड्रग माफिया है, और तो और इसने जिस तरीके से सबको गुमराह किया है, क्या इस पर नीमच एसपी कलेक्टर एफआईआर दर्ज कराएंगे, और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई संचालित करेगा?